प्रिय बच्चों नमस्कार। आप ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए आज ट्वेल्थ क्लास की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत और सबसे ज़बरदस्त पोयम लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, जिसका नाम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की, मेरी नहीं कमलादास की। जो कवित्री है उसका नाम कमलादास है और कवित्री ने बहुत सुंदर सी कविता लिखी है, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की। कमलादास आपने साथ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़िए, सुनिए, दूसरे को भी जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सी कविता माई मदर एट 66, बहुत जबरदस्त, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बहुत रोचक सी चीज़ों को कवित्री कमलादास ने अपनी माँ के बारे में लिखी, अपनी फीलिंग्स को लिखी है। कवित्री कमलादास मिस, वह एक फीमेल है, वह एक बेटी है, और जिस माँ की बेटी है आपको पता होगा कि माँ का प्यार बेटियों के लिए और बेटियों का प्यार माँ के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, तो आपको बढ़िया से पता होगा। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सी कविता कमलादास ने अपनी माँ पर लिखी है। और कविता वो अपनी माँ को खुश करना चाहती है, कविता वो अपनी माँ को खुश करके उसकी उम्र को बढ़ाना चाहती है, और अपनी माँ के साथ कवित्री कमलादास और अधिक वर्षों तक, दिनों तक रहना चाहती है, माँ का आशीर्वाद चाहती है, माँ का प्यार चाहती है। लेकिन जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ती है तो वह दुखी नहीं होती है, वह मुस्कुराती है। इसके पीछे बड़ा सा कारण यह है कि वह एक ऑप्टिमिस्टिक है, वह एक आशावादी महिला है, आशावादी लिखी कवित्री है, और उसे पूर्ण विश्वास है कि जब कभी रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा, तो माँ और बेटी जिस रिश्ते में आज हैं उसी रिश्ते में अगले जन्म में भी अपनी माँ के साथ मिलेगी। मिस माँ का प्यार उसे मिलेगा, एक बेटी के रूप में मिलेगा, एक बेटी माँ को प्यार देगी। इसीलिए कवित्री कमलादास अपनी माँ को जिंदा रखना चाहती है, उसकी आयु को बड़ा करना चाहती है, और नहीं तो जब वह इस दुनिया से जा रही है तो भी वह खुश है इस विश्वास के साथ कि अगला जब जन्म होगा उनका तो दोनों ने सेम रिश्ते में मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आइए इस कविता के माध्यम से हम जानते हैं कवित्री कमलादास अपनी माँ के बारे में कैसा विचार रखती है। बोलता है, अबाउट द पोएट कमलादास 1934 वाज बोर्न इन मालाबार केरला। कमलादास का जन्म 1934 में मालाबार केरला में एक जगह है वहाँ पर हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। भारत में जितने कवि और कवित्रियाँ हुए उसमें एक कमलादास का बहुत बड़ा स्थान है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कवित्री कमलादास की जो कविता है वह ओरिजिनलिटी के लिए, मतलब ओरिजिनल चीज़ों को उसमें दिखलाने की कोशिश की है, विविधता को दिखलाने की कोशिश की है, और अपनी देश के मिट्टी की महक को दिखलाने की कोशिश की है। कमलादास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी। कमलादास ने अंग्रेजी में और मलयालम भाषा में कई कविताओं को लिखी है, और माधविका नाम के अंतर्गत मिस उपनाम, जिसे आप बोलते उपनाम, मतलब किसी का नाम महेंद्र होगा, किसी का नाम धर्मेंद्र होगा, लेकिन ओकर ऊपर ऐसा नाम रहता होगा, इंटू, मिंटू, सिंटू, पिंटू, अंटुस, फंटुस, लड्डू, पेड़ा, काजू, बर्फी, इसी तरह का उसका पेन नाम था। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977। 1977 में वह एक उपन्यास लिखी थी जिसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरी 1992। पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरी, छोटी छोटी कहानियों का वह एक संग्रह वाली किताब लिखी थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, कविता की 5 किताबों को वह लिखी है। सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडम। वह एक ऐसी कवित्री है, ऐसी लेखिका है जो मानव और मानव के बीच में जो स्ट्रांग रिलेशन है, मजबूत संबंध है, उन संबंधों को वह लिरिकल आइटम्स में ढालती है, मिस मुहावरेदार कविता बनाती है, मुहावरेदार बनाती है। मुहावरा का दार कहने का मतलब वह 9-2-11 हो गया, हम नहीं बोलते राम ने मोहन को देखकर भाग गया, हम सिर्फ बोलते हैं कि वह 9-2-11 हो गया, बरसे कंबल भींगे पानी, कबीरदास की उल्टी वाणी, इस प्रकार के मुहावरेदार कविता को वह लिखती है। मिस कमल बरसता और पानी भींगता है, बताओ भाई साहब, अरे पानी भींगेगा तब ना कमल बरसेगा, लेकिन बरसे कंबल पानी भींगे ऐसा कुछ वह है
बोलते हैं कमल बरसता है, कमल का मतलब आंख होता है, आंख से जब लोर चलता है तो हाथ है ना वो भींगता है, ऐसा कुछ कबीरदास जी उल्टी लिखते हैं, बोलता है इन लिरिकल आइटम माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और जो कविता को आप पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम माई मदर एट 66 है, यह कविता ना एक शानदार सा उदाहरण है कवित्री कमलादास की, वह लिरिकल आइटम का जिस कविता को कवित्री कमलादास ने लिखी है और आप 12th क्लास के बच्चों को लिए यहाँ पर पढ़ना है। और इस चैप्टर से इस बार के आपके एग्जाम में एक 2 नंबर का प्रश्न अवश्य रहेगा ही, या नहीं तो 4 नंबर का, एक क्वेश्चन नंबर 7 पर एक्सट्रैक्ट पोएम वाला जो एक्सट्रैक्ट रहता है वह अवश्य पूछेगा ही। इस दृष्टिकोण से इस कविता को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, याद करके जाइएगा। इस कविता की 4 क्वेश्चंस को भी हम आपको देंगे, जो 4 में से शायद अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वह 1 जरूर आ जाएगा। बोलता है बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। अब देखिएगा, उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्या आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा आपका उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे बड़े माता पिता हमसे किस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं। तो जी उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे जैसे हमारा उम्र बड़ा हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ना चिल्ड्रेन हैं और मान लीजिए कि इस वाले जो डायग्राम है ना, इधर मान लीजिए कि पेरेंट्स हैं, तो जैसे जैसे हमारा आपका उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे बड़े माता पिता का हमसे जो आशा उम्मीद भरोसा है वह बढ़ते चला जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है आप देखिएगा, जैसे कि हम जब 0 ईयर के थे, मान लीजिए कि जब हम 0 ईयर के थे तब हमारे प्रति हमारे पेरेंट्स का ना 100% जिम्मेवारी बनता था, मीन्स हमारे माता पिता ना हम बच्चों पर 100% ध्यान दिया करते थे। और जब हम मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा हुए तो माता पिता का जिम्मेवारी ने थोड़ा सा मान लो घटा है, और थोड़ा सा बड़ा हुए होंगे तो उनकी आपके प्रति जो जिम्मेवारी है ना वह और घटा होगा, मान लीजिए 85 हुआ होगा, और जब आप बड़ा हुए होंगे तो उनकी जिम्मेवारी ना आपके प्रति और घटा हुआ होगा, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा वैसे वैसे गुड़रने लगता है, तो फिर खड़ा होने लगता है, तो फिर वह चलने लगता है, तो फिर वह दुकान खुद जाने लगता है, तो फिर ना वो कुछ सामान को खरीदने लगता है, तो खुद ना पहले पेंसिल नहीं पकड़ पाता है तो पकड़वाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो खुद पकड़ने लगता है, फिर ना वो लिखने लगता है, तो पेरेंट्स का जिम्मेवारी धीरे धीरे क्या होता है ये घटते चला जाता है। अब इस प्रकार से मान लीजिए कि आप और बड़ा हो गए, आप 20, 22, 25, 27 वर्ष के हो गए, तो पेरेंट्स का आप पर से जिम्मेवारी लगभग 50% घट गया, लेकिन आपका भी जिम्मेवारी पेरेंट्स के प्रति थोड़ा थोड़ा मान लो कि बढ़ रहा था। जैसे जैसे आप बड़ा हो रहे थे पेरेंट्स के प्रति आपकी जो जिम्मेवारी थी ना उनके प्रति बढ़ रहा था, आप मान लो कि ऐसे हो रहा था थोड़ा सा और बड़ा हो रहे थे तो आपकी जिम्मेवारी ना पेरेंट्स के प्रति बढ़ रहा था, मीन्स आप मान लो 25, 27 साल, 30 साल के हो जाते हैं तो पेरेंट्स ना 50, 60 साल के हो जाते हैं, तो 50% वो आप पर ख्याल करेंगे तो आपको भी उन पर 50% ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा कुछ आएगा कि आप मान लो 35 साल के हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेवारी ना अब बढ़ जाती है और पेरेंट्स की जिम्मेवारी ना अब धीरे धीरे ना घटने लगती, चूंकि वो बूढ़े होने लगते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये बात समझ में आएगा, जैसे आप 0 ईयर के थे तो आप पर उनकी 100% जिम्मेवारी थी, ठीक उसी प्रकार आप मान लीजिए कि आप का जो जिम्मेवारी है ना वो पेरेंट्स के प्रति 100% का हो जाएगा, जब ना वो ओल्ड हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो आप जवान रहोगे 35, 40 साल का, उस समय आपका 100% ख्याल करना पेरेंट्स के प्रति ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी रहेगी। तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे पेरेंट्स का ख्याल करना आपका ना जिम्मेवारी बढ़ता है, और वैसे वैसे उनकी आशा और उम्मीद को आपको पूरा करना ना ये आपकी जिम्मेवारी बनता है। तो यही कविता है माई मदर एट 66, और कविता अब आपकी होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कवित्री कमलादास कहती है कि शुक्रवार का दिन था, सुबह का समय था, और वह कार को चलाते हुए अपनी मां को अपन बगल में बैठा करके वह लेकर जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट। कवित्री कमलादास एक कार को चलाती है और अपनी मां को लेकर के वह जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट। शुक्रवार का दिन था, सुबह का समय था। अब आपको समझना है जब कार के में बैठकर उसकी मां जा रही थी तो उसकी मां ने डोज कर रही
रही थी। डोज करना का मतलब होता ओंघना। जब कवित्री कमला दास की माँ थी वो जमहाई ले रही थी, बोलता ओपन माउथ। और जब कभी आप जमहाई लेते हैं तो आपके जो मुंह है वो खुल जाते हैं। हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और कवित्री कमला दास की माँ का जो फेस है ना, चेहरा है, वो एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। एस एन का मतलब पीला होता है और कॉप्स का मतलब मरा हुआ लाश सौ होता है। कवित्री कमला दास की माँ का जो चेहरा था वो मरे हुए लाश के भांति दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी। तो बूढ़ी हो गई थी तो बूढ़े लोगों का खून धीरे धीरे पतला होने लगता है, क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगता है, जिससे कि खून लाल होता है। तो जब कम होने लगता है तो आपको पता कि कवित्री कमला दास की माँ का चेहरा था ना, वह एकदम पीला पीला दिखाई दे रहा था, एकदम शक्तिहीन बेजान विथण मुरझाया हुआ दिखलाई दे रहा था, क्योंकि वो बुढ़िया बूढ़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर क्रिस क्रॉप्स का चिन्ह दिखाई दे रहा था, मिस चमड़िया उसके सिकुड़े हुए थे एंड रियलाइज्ड विथ पेन। और कवित्री कमला दास की माँ थी वो दुख और दर्द से कराह रही थी, क्योंकि बूढ़ी थी। आज यदि आप जवान हैं तो आपने 50 बार उठक बैठक दंड मारता होगा, तो लेकिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो जिस शरीर में आज खून भरा हुआ है, ऊर्जा एनर्जी भरा हुआ है, उस शरीर के हर एक पार्ट में दर्द भर जाएगा। उठना और बैठना में भी आपको बहुत कठिनाई महसूस होगा। एंड सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। और इस प्रकार कवित्री कमला दास ने अपनी माँ को देखी, वह जितनी बूढ़ी थी उतना वह दिख रही थी। माने सच में कवित्री कमला दास की माँ 66 वर्ष की थी और 66 वर्ष के जैसा वह दिख भी रही थी। देख करके भी कोई उसका उम्र 66-67 साल कह सकता था, और उतने उम्र की सच में उसकी मां थी। बोलता है कवित्री कमला दास ने अपनी मां को देखी तो मां बहुत दुख और दर्द में थी। तो भाई मां को देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो वह अपनी मां को देखना बंद करती है, अपने विचार को अपनी नजर को ना वहां से मोड़ती है। दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और इस प्रकार से वह देखती है कि जो युवा वृक्ष थे वह अपन वो ना कार के पीछे भाग रहे थे। कवित्री कमला दास देखती है कि जो युवा वृक्ष थे वो कार के पीछे भाग रहे थे। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप रास्ते में चलते हैं तो क्या सिर्फ रास्ते में आपको जवान युवा पेड़ ही दिखाई देते हैं? नहीं, सभी तरह के बंडे ठूठे बूढ़े पतले छोटे मोटे सब तरह के पेड़ ना दिखलाई देते हैं। लेकिन कवित्री कमला दास अपनी माँ को खुश करना चाहती, उसकी माँ बहुत दुखी है, इसलिए जब युवा वृक्षों को वह ला रही है यहाँ पर दिखलाएगी युवा वृक्षों को, तो उसकी माँ अपने बचपन के दिनों के बारे में कल्पना करेगी कि जब वह बच्ची थी ना तो वह भी युवा थी, छोटी थी, उसके शरीर में भी ना बहुत ऊर्जा था, बहुत ताकत, बहुत एनर्जी था। वह ना कभी थकती नहीं थी, वह ना दिन भर चलती थी और खेलती थी, और वह ना हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहा करती थी। ठीक उसी प्रकार जैसे हल्का सा भी हवा चलता है तो पेड़ ना हिलोरे लेने लगते हैं, मतलब पेड़ युवे हैं, जवान हैं, और पेड़ की शाखाएं हैं उन कोमल है। इस हिसाब से जब जो पेड़ पुराना हो जाता है उसकी जो शाखा है वो मजबूत हो जाता है, और जो पेड़ युवा रहता है उसकी शाखा लचीला रहता है। तो कवित्री कमला दास इसीलिए युवा वृक्षों को लाती है, जिससे कि उसकी माँ को देख करके उन वृक्षों को अपने बचपन के दिन के बारे में कल्पना करे, और बचपन के दिन के बारे में कल्पना जब करने लगी तो वर्तमान के दुख और दर्द को भूल जाएगी। जब भूल जाएगी तो वह खुश हो जाएगी। तो आज 66 साल की जो उसकी उम्र है जो मरने वाली है वो 67 साल जिएगी, 68 साल जिएगी, 69 साल जिएगी, 70 साल जिएगी, डॉट 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 डॉट। और कवित्री कमला दास अपनी माँ के साथ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और जीने का आनंद ले लेगी, मजा ले लेगी, मां का आशीर्वाद लेगी। कवित्री कमला दास जब रास्ते से जा रही होती तो कहती कि मेरी चिल्ड्रन जो प्रसन्न खुश बच्चे हैं, वो बच्चे अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी क्या आप रास्ते से चलते हैं उस समय क्या प्रसन्न खुश बच्चे ही सिर्फ हंसते मुस्कुराते बच्चे ही रोड से बाहर घर से बाहर निकलते हैं? नहीं, सभी तरह के बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर कवित्री कमला दास बोलती है कि हंसते खेलते खेलते मुस्कुराते हुए बच्चे घर से बाहर निकल रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ जब इन हंसते खेलते बच्चों को देखेगी तो बूढ़े लोगों के लिए इस दुनिया का सबसे जो सुंदर सा चीज़ है, खुशबूदार चीज़ है, मासूम सा चीज़ है, वो मासूम बच्चा। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी है और उसे गोद में हंसता खेलता मुस्कुराता हो बच्चा को रख दीजिएगा तो आधी उसकी दुख दर्द खत्म हो जाएगी और वो अपने बचपन के दिनों की कल्पना में खो जाएगा, वर्तमान के दुख दर्द को भूल जाएगा, वह खुश हो जाएगा और इस प्रकार से उसकी आयु बढ़ जाएगा। कवित्री कमला दास यही चाहती है, उसकी माँ का आयु न बढ़ जाए, अपनी माँ के साथ न वह और दिन रहने आनंद ले, मां का आशीर्वाद ले। और ऐसा कुछ वह करती यदि है, ऐसा कुछ यदि होता है तो वह एक अच्छी बेटी होने का फर्ज अदा करेगी। मतलब बढ़ते हुए उम्र में जो माता पिता का बच्चों से जो आशा है, इच्छा है, वह उसकी आशा का पूर्ति होगा। तो इसीलिए कवित्री कमला दास ने हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चों को और युवा वृक्षों को इस कविता में जगह देती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन जब हवाई अड्डे पर कोचीन एयरपोर्ट पर जब कवित्री कमला दास पहुंचती अपनी माँ के साथ, तो उस कोचीन एयरपोर्ट
रोड पर वह देखती कि उसकी माँ न उसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी है और वहाँ सुरक्षा जाँच होता है। हवाई अड्डे पर आप जाइएगा तो एगेज से लेकर बैगेज तक सब कुछ जांच होता है। और जब उसका सब कुछ जांच किया गया, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेन, तो वह देखती है दोबारा अपनी माँ को, तो उसकी माँ है ना एकदम वान दिखलाई देती है। वान का मतलब निर्जीव, सूखी हुई घास के भांति मुरझाई हुई, शक्तिहीन, बेजान दिखलाई देती है, पूरा पीला दिखलाई देती है। एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर, लेट मतलब कि स्वर्गीय, विंटर माने चंद्रमा, मून मतलब, मून माने चंद्रमा, विंटर माने ठंडा, और सर्दी की जाती हुई, ठंडा की जाती हुई चंद्रमा के भांति उसकी माँ दिखलाई दे रही है। तो कवित्री कमलादास अपनी मां की तुलना इस सर्दी ठंडा की चंद्रमा से क्यों की है, क्योंकि देखो दोस्तों जब ठंडा समाप्त हो जाएगा ना, तो ये जो हिंदी वाला पुराना वर्ष है ना वो समाप्त हो जाएगा, होली महीना नया हम लोग मना करके चैत्र महीने नए रामनवमी की हम शुरुआत करेंगे। तो कवित्री कमलादास है वह जब हिंदी महीना समाप्त, जब ये चंद्रमा जो समाप्त हो जाएगा ठंडा वाला, तो ये ठंडा समाप्त हो जाएगा मतलब कि पुराना वर्ष समाप्त हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा और चैत्र में नया वर्ष शुरू हो जाएगा। मीन्स यह जो सर्दी की चंद्रमा है वो बूढ़ा हो गया है, ये सर्दी की चंद्रमा वो कोहरे में ढका हुआ है, धुंधला दिखलाई देता है, ये सर्दी की चंद्रमा बूढ़ा हो गया इसलिए ऊर्जा विहीन दिखलाई देता है, शक्तिहीन विहीन दिखलाई देता है, इसमें ना धुंधलापन दिखलाई देता है, चमक नहीं दिखलाई देता है, कोहरे में चंद्रमा ने ढका हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माँ का वृद्धावस्था बुढ़ापन अगर समाप्त हो जाएगा तो माँ समाप्त हो जाएगी, तो माँ का नए जीव में जन्म हो जाएगा, तो माँ ना नए नया अवतार में आएगी। तो अभी जब माँ बूढ़ी है तो माँ के चेहरे भी पर झुड़ियां पड़ा हुआ है, माँ के चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं है, माँ की जो चेहरा है ना वह भी उदास निराश दिखलाई दे रहा है। दोनों चंद्रमा और माँ ना एक जैसी हैं, चंद्रमा भी उदास निराश बूढ़ा हो चुका है, माँ भी उदास निराश बूढ़ी हो चुकी है, और दोनों ने अपने जीवन के अंतिम पारी को खेल रहे हैं, लास्ट इनिंग को खेल रहे हैं, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। इसीलिए कवित्री कहती है कि मेरी माँ चंद्रमा का जैसा दिखलाई दे रही है, बोलता है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और माँ का जो वृद्धावस्था है वो कवित्री कमलादास की बचपन की डर है, कहती है कि माँ का जो वृद्धावस्था है वो कवित्री कमलादास की बचपन की डर है। बचपन की डर है मतलब मान लो कि बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे जिनके बाल ना 25-27 साल की उम्र में पक जाते हैं, तो जब 25-27 साल के मम्मी पापा हो गए हैं तो उस समय उनके बच्चे मान लो 7-8 साल के हैं, तो उसी समय माई बाप के बाल पक गए हैं, तो माई बाप मान लो कि 40 साल के होंगे तो बच्चे 15 साल के होंगे, लेकिन 7-8 साल की उम्र में बच्चे लोगों ने देख लिया कि मम्मी पापा के बाल पक गए हैं मतलब बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं मैंने वृद्ध हो जाएंगे, तो इस हिसाब से जब माई बाप 50 साल के होंगे तो बच्चे भाई साहब 25 साल के हो जाएंगे, तो वो 7-8 साल से देख रहे हैं, 7-8 साल की उम्र से देख रहे हैं कि इनके बाल पके हुए हैं। आज कवित्री कमलादास की माँ 66 वर्ष की हो गई, कवित्री मान लो 35-40 साल की होगी, लेकिन 7-8 साल की उम्र से देख रही कि मेरी माँ की बाल न पकी हुई है, और उस दिन से वह सोच रही थी कि मेरी माँ बूढ़ी होगी पता नहीं। आगे बोलता है इसीलिए उसकी वो बचपन की डर थी, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वाई सी यू सुन अम्मा, ऑल आई डिड वाई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड डॉट 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 डॉट। और इस प्रकार कवित्री कमलादास जब अपनी मरते हुए माँ को एयरपोर्ट पर, कोचिन एयरपोर्ट पर देखती है कि उसकी माँ ना वहाँ पर मर रही है, तो मरते हुए माँ को देख करके सी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मुस्कुराती है, मरते हुए माँ को देख कर कहती सी यू सुन अम्मा, माँ फिर मिलते हैं, बाय माँ फिर मिलते हैं, अलविदा माँ, ऐसा कुछ कवित्री कमलादास ने अपनी मरते हुए माँ को देखकर कहती सी यू सुन अम्मा, माँ फिर मिलते हैं, और मरते हुए माँ को देखकर सी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड डॉट 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 डॉट, वह मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है और मुस्कुराती है और आगे मुस्कुराते रह जाती है। तो आपको समझना है वह मुस्कुराती क्यों है, और वह सी यू सुन अम्मा, माँ फिर मिलेंगे क्यों कहती है, क्योंकि सी इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक लेडी, वह बहुत ही आशावादी एक महिला है। जैसे बच्चों एक बोतल अगर पानी एगो बोतल है और बोतल में आधा पानी है आधा खाली है, तो उसके आंसर दो तरह से सही होंगे, आप बोलिएगा ना कि आधा बोतल पानी है तभी उत्तर सही होगा, और आप बोलिएगा ना आधा बोतल खाली है तभी उत्तर सही होगा, इसका मतलब कि आधा बोतल पानी है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आधा बोतल खाली है माने निगेटिविटी आपको दिखलाई देता है, मिस आप निराश हैं कि आधा बोतल और खाली हो जाएगा, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं आधा बोतल पानी है, इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक है मतलब आशावादी है, माने आधा भर गया है तो और प्रयास करो और भर जाएगा और प्रयास करो और भर जाएगा। तो व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, भरोसा और विश्वास होना चाहिए। कवित्री कमलादास आशावादी है, उसे भरोसा और विश्वास है पूर्णतः,
अपने ऊपर कि जब नेक्स्ट रीबर्थ होगा ना, वह पहले मर रही है तो माँ बनेगी और हम बाद में मरेंगे तो उसकी बेटी बनेंगे। तो जो रिश्ता हमारे और उसके बीच में था ना माँ और बेटी का, उस रिश्ते में हम दोनों ने एक बार पुनः मिलेंगे, इसीलिए मरते हुए माँ को देख करके वह मुस्कुराती है और सी यू सून मामा, फिर मिलते हैं बाय अलविदा, ऐसा कुछ वह कहती है। तो बच्चों यह आपकी सुंदर सी कविता थी जिसका नाम था माई मदर एट 66। बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इस कविता से आप एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। आशा करते हैं आपको कविता अच्छी लगी होगी और आप दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।